आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ हूँ राज किरण। हिंदू समाज को संगठित करने का उद्देश्य रखने वाले विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय बैठक इंदौर में आज से शुरू हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि यह बैठक इंदौर की अग्रसेन महासभा भवन में शुरू हुई। इस दौरान पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्र महामंत्री मिलिंद पारांडे ने देश भर में 2000 से भी अधिक प्रकल्पों को पूरा करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा की। इस 3 दिवसीय बैठक में देश भर के विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस दौरान हिंदू समाज के वंचित गरीब तबकों के लिए शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सैकड़ों कार्य करने की योजना बनाई गई। देखिए, यदि हमको अनुभव से ऐसा ध्यान में आता है कि कट्टरवादी युवक इसमें से निर्माण होते हैं, या जैसी मस्जिद है कि जिन मस्जिदों से सतत जुम्मा के बाद में भीड़ बाहर निकलकर दंगे करती हैं, तो जो जो स्थान ऐसे देश भर में ध्यान में आएंगे, इनके मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि देश की अंतर्गत सुरक्षा के लिए समस्या है। तो कोई भी जिम्मेदार सरकार ने इसके बारे में सोचना चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।